हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिंग दाने यानी कि मूंगफली की चिक्की सिखाने जा रही हूँ। तो सिखाने से पहले आपको बता दें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करिए तो मेरे नए नए वीडियोस के अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएंगे। तो चलिए शुरू। मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी मूंगफली। इसको मैंने सेक के ठंडा करके छिलका निकाल लिया था। अभी इसको मिक्सिंग जार में अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा कटोरी पीसा हुआ मूंगफली और 3/4 कप गुड़ लिया है। गुड़ को जो है आप देख सकते हो कढ़ाई में रख के गैस ऑन करके पिघलने के लिए रख दिया है। इस टाइम गैस के फ्लेम को आप लो फ्लेम में ही रखिए क्योंकि गुड़ जल्दी जल जाते हैं। इसके लिए आपको इसको लो फ्लेम में ही रखना है। अभी धीरे धीरे करके गुड़ जो है वो पिघल रहा है, आप देख सकते हो। मैंने चम्मच की सहायता से इसको अच्छे से हिला रही हूँ और गुड़ को अच्छे से पिघलने के लिए रख दिया है। तो अभी चलिए इसको पिघलने देते हैं। ये करीबन 5 से 7 मिनट लगाते हैं गुड़ को पिघलने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गुड़ जो है मेरा अच्छे से पिघल गया है। तो चलिए अभी टेस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटे बाउल पे थोड़ा सा पानी लिया है। अभी एक ड्रॉप गुड़ का उसमें डाल के थोड़ा सा देख लेंगे, हाथ में चिपकता है। हाँ, तो गुड़ रेडी हो गया है। अभी मूंगफली पीसा हुआ वो गुड़ में डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डाल दिया है। अभी अच्छे से इसको मिला लेते हैं गुड़ के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मूंगफली को गुड़ के साथ बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। इस टाइम भी आप फ्लेम को लो में ही रखना। अभी किचन स्लैब के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए ताकि चिक्की ठंडा होने के बाद इसको निकालने में आसानी रहे। अभी ये गरम चिक्की के मिश्रण को मैं यहाँ पे डाल देती हूँ किचन स्लैब में। आप एक प्लेट की सहायता से भी कर सकते हो। अगर आपके किचन में ऐसा पत्थर वाला स्लैब ना हो तो आप एक प्लेट को उल्टा करके उसके ऊपर ऑयल लगा के ये मिश्रण को बिछा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बहुत ही अच्छे से इसको हाथों की सहायता से मैंने यहाँ पे इसको बिछा दिया है। तो इसको अच्छे से आप बिछा लीजिए। फिर गरम रहते हुए इसको काट लेंगे बर्फी के शेप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक बेलन की सहायता से इसको थोड़ा सा और पतला बेल लेती हूँ अच्छे से दबा के। तो बेलन में भी थोड़ा सा आप ऑयल लगा लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो अच्छे से आप इसको बेल लीजिए। अगर आप मोटा रखना चाहते हो तो मोटा भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे पिज्ज़ा कटर की सहायता से इसको अच्छे से काट लेंगे चिक्की को बर्फी के शेप देते हुए। आपको जो भी शेप देना है आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे काजू बर्फी होता है वैसे ही शेप दे रही हूँ बर्फी का। तो अभी इसको 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। काटने के बाद फिर इसको निकाल लेंगे और आपको दिखाते हैं कैसा हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही यम्मी क्रंची सा मूंगफली का चिक्की बन गया है। तो ये रेसिपी आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरे चैनल पे तिल की चिक्की भी मैंने डाले हुए हैं, वो भी देखिए। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए, उसमें मैं रेसिपीज़ के सारे डिटेल्स डालती हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।